जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। इस कलयुग में सभी प्राणियों के संकट हरने, सबका कल्याण करने पवन पुत्र हनुमान जी अनेक स्थानों में अलग अलग नामों से अवतरित हुए। कहीं ये हनुमान जी, कहीं बजरंग बली, कहीं मारुति नंदन, तो कहीं अंजनी पुत्र के नाम से पूजे जाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि, बर नौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी के अनेक धामों में से एक है घाटा मेहंदीपुर। मेहंदीपुर की तो बेबे है महिमा बड़ी, मेहंदीपुर की तो बेबे है महिमा बड़ी, मेहंदीपुर की तो बेबे है महिमा बड़ी, है महिमा बड़ी बेबे महिमा बड़ी, है महिमा बड़ी बेबे महिमा बड़ी, ये मेहंदीपुर की तो बेबे है महिमा बड़ी, मेहंदीपुर की तो बेबे है महिमा बड़ी। मेहंदीपुर में तो बालाजी रहते खड़े, मेहंदीपुर में तो बालाजी रहते खड़े, वो तो काटे हैं संकट बड़े ते बड़े, वो तो काटे हैं संकट बड़े ते बड़े, दूर करते हैं मुश्किल बड़ी ते बड़ी, दूर करते हैं मुश्किल बड़ी ते बड़ी, मेहंदीपुर की तो बेबे है महिमा बड़ी, मेहंदीपुर की तो बेबे है महिमा बड़ी। राजस्थान के दो जिलों में विभक्त है घाटा मेहंदीपुर। इन दोनों जिलों से जुड़ा है बालाजी का चमत्कारिक मंदिर, जहां आकर नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। चलो चलो रे मेहंदीपुर धाम के मेलो आयो, चलो रे मेहंदीपुर धाम के मेलो आयो रे, चलो चलो रे।
आज के वैज्ञानिक युग में बालाजी महाराज का चमत्कार विज्ञान को भी अपने सामने नतमस्तक होने पर बाध्य कर देता है। बालाजी पे अर्जी लाके चिंता ने तू छोड़ दिए, जो करना से करेगा बाबा चाहे मन में सोच लिए, जो करना से करेगा बाबा चाहे मन में सोच लिए। यहां तीन देवों की प्रधानता है, बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार एवं श्री कोतवाल अर्थात भैरव जी। सबके संकट पल में काटे, यो ते शिव का अवतारी, इसके संग रहते प्रेतराज और भैरो बलकारी, इसके संग रहते प्रेतराज और भैरो बलकारी। ये तीन देवता ऐसी मान्यता है कि यहाँ तीनों देव लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। उधर बालाजी के अर्जी लगे ही लगे, उधर बालाजी के अर्जी लगे ही लगे, उधर बालाजी के इस धाम में श्री बालाजी का एक चमत्कारिक मंदिर भी है। इस धाम के चमत्कारों का उल्लेख हम आगे करेंगे, लेकिन पहले सभी श्रद्धालुओं को
श्री बालाजी महाराज की उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे। कहते हैं, श्री राम भक्त हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम धरतीवासियों के कल्याणार्थ पुनः अवतरित हो, वहां लोग तुम्हें बालाजी के नाम से पूजेंगे। उन दिनों ये मेहंदीपुर क्षेत्र घने जंगल से भरा हुआ था, आबादी भी काफी कम थी। एक दिन अचानक महंत जी के पूर्वजों के घर आश्चर्यजनक घटना घटी। उस रात जब महंत जी के पूर्वज अपने घर सो रहे थे, तभी उन्हें ऐसा लगा कि जैसे समस्त ब्रह्मांड एक अलौकिक रोशनी से भर उठा हो। महंत जी के पूर्वज चौंक पड़े और वो निद्रावस्था में ही उठकर चलने लगे। काफी दूर जाने के बाद अचानक उनकी आंखें स्वर्णिम रोशनी से चकाचौंध हो गईं। उनके सामने हजारों दीपक जल उठे। दीपक की रोशनी कम होते ही पीछे से हाथी घोड़ों की विशाल फौज नजर आई। अचानक तभी दूसरी ओर बालाजी की एक मूर्ति प्रकट हो गई। सारा क्षेत्र एक अद्भुत रोशनी से जगमगा उठा। फौज के प्रधान ने मूर्ति की तीन प्रदक्षिणाएं की। और फिर मूरत को साष्टांग प्रणाम किया। लेकिन जैसे ही रोशनी खत्म हुई, वहां से सभी गायब हो गए। इसी के साथ महंत जी के पूर्वज की नींद भी उड़ गई। काफी कोशिश के बाद जब उन्हें दोबारा नींद आई, तो स्वप्न में तीन मूर्तियां दिखाई पड़ी। इसी के साथ एक आवाज आई, हे मेरे प्रिय भक्त, उठो और मेरी सेवा का तुम भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। और तभी वहां बालाजी की मूर्ति भी प्रकट हो गई। अरे मेहंदीपुर में प्रकट भैरे बालाजी बलवान, मिटे विघ्न बाधाएं सारी कर बाला का ध्यान। मेहंदीपुर है धाम निराला, ओ मेहंदीपुर है धाम निराला, संकट हरे सभी के बाला। ओ मेहंदीपुर है धाम निराला, संकट हरे सभी के बाला। जय हो तेरी अंजनी लाल, संकट मोचन दीन दयाल, सभी के संकट हरने वाला, सभी के संकट हरने वाला। हाँ मेहंदीपुर है धाम निराला, संकट हरे सभी के बाला। ये तो राम पुजारी सारे भक्तों के काम बनाए, हाय हाय हनुमत बलकारी तन मन से रोग हटाए, हाय बाला छोटा थारी है नाम बड़ा हितकारी, बाबा और बाला छोटा थारी है नाम बड़ा हितकारी, तुम हो रामचरण अधिकारी, महिमा तेरी न्यारी, तेरे नाम से भागे बाबा।
देखो बजरंग रूप निराला सभी के संकट हरने वाला। अगले दिन श्री गोसाई जी ने लोगों के साथ मिलकर श्री बालाजी महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना डाली। वर्षों बाद किसी शासक ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति को जमीन से बाहर निकालने की कोशिश की, परंतु बालाजी महाराज के चरणों का कोई अंत नहीं मिला। तब से लेकर अब तक इनके संपूर्ण चरणों के दर्शन नहीं हुए, अपितु यह पर्वत का ही एक अंग है। बहुत जरूरी काम बाला कड़े मिलेंगे, मन ढूंढा जगत तमाम बाला कड़े मिलेंगे, मन बहुत जरूरी काम बाला कड़े मिलेंगे। इस तरह श्री हनुमान जी बालाजी के रूप में प्रकट हुए और ये धाम बना बालाजी धाम। मेहंदीपुर शुभ धाम, यहाँ पे संकट मिटे तमाम के दर्शन कर लो रे, बनते सबके काम, यहाँ पे संकट मिटे तमाम के दर्शन कर लो रे। मेहंदीपुर शुभ धाम, इस धाम तक राजधानी दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। इस चमत्कारिक मंदिर की महिमा से आज कोई भी अनजान नहीं। इस मूर्ति के चरणों में छोटी सी कुंडी थी जिसमें हमेशा जल भरा होता था। रहस्य यह है कि महाराज की बाईं छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा बहती रहती है। पर्याप्त चोला चढ़ाए जाने पर भी यह बंद नहीं होती। इसी प्रकार एक कथा और यहां प्रचलित है। एक बार बालाजी के चोले लेकर जब एक व्यक्ति मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचा तो रेलवे अधिकारी ने लगेज तय करने के लिए उसे तोलना चाहा। अरे भाई ये क्या है? बाबूजी, ये बालाजी का चोला है, इसे हम गंगा जी में प्रवाहित करने ले जा रहे हैं। चलो पहले इसका लगेज तय कर लो, इसे तोलते हैं। अरे ये क्या है? कभी इसका वजन कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, हर बार उसके वजन में फर्क आने लगता। अंत में थक हार कर उस अधिकारी ने चोला वजन करने का विचार ही त्याग दिया।
और बालाजी के चमत्कार से अभिभूत हो गया। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ये दुनिया 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 चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। अरे जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। रावण 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 मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। यहाँ की विशेषता यही है कि मंदिर में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कोई चमत्कार नहीं किया जाता। यहां श्रद्धा पूर्वक आने वाले भक्तों को तमाम कष्टों तथा व्याधियों से मुक्ति मिलती है। बालाजी के धाम पे एक बार जो भी आ गया, भूत प्रेत की बाधा पागलपन आदि अन्य कष्टों के संकट बालाजी महाराज की कृपा से यहाँ कट जाते हैं। तभी तो कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दुखी मानव श्री बालाजी महाराज के दरबार में आकर तीनों देवताओं को प्रसाद चढ़ाते हैं। श्री बालाजी महाराज को लड्डू, श्री प्रेत राज सरकार को चावल और श्री कोतवाल जी को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसमें से दो लड्डू रोगी को खिलाया जाता है, जिसे खाकर वो झूमने लगता है। उसके अंदर छिपे संकट पर जबरदस्त मार पड़ती है और फिर मार से तंग आकर भूत महाराज के चरणों में आ बैठता है। तुम्हारे मेहंदीपुर के द्वारे
मिलते हैं चरणों में तेरे सहारे। ओ तवा मणि का मैं भोग लगाऊं जी बालाजी दर पे तुम्हारे, दुखियों को मिलते हैं चरणों में तेरे सहारे। दया कर तेरी बाबा चोर नहीं है कोई, कलयुग में तुझसा और नहीं है कोई, रारे दर पे तुम्हारे मेहंदीपुर के द्वारे। हारे कटार 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 कटा संकट कटा बालाजी, आके मेरा दर पे तुम्हारे मेहंदीपुर के द्वारे। हारे कटा संकट कटा, संकट कटने पर सभी रोगियों को महाराज की ओर से एक दूत मिलता है। जब तक दूत ना मिले तब तक महाराज से शांतिपूर्वक प्रार्थना करते रहना चाहिए। बालाजी के दर्शनार्थ आने वाले यात्रियों को कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। कोई भी यात्री अपने हाथों से बालाजी महाराज पर जल न चढ़ाए, न ही किसी पूजन सामग्री को हाथ लगाए। जिन रोगियों पर मार पड़ रही हो उन्हें पर्याप्त स्थान दे एवं संकट वाले रोगी से न तो वाद विवाद करें और न ही उनका मजाक उड़ाएं। संकट मुक्ति के लिए दी गई अर्जी में सवा शेर लड्डू, सवा शेर सूखा चावल और सवा शेर उड़द होना चाहिए। जी जान बोलो भक्तों जैसी आराम। ये प्रसाद श्री बालाजी भक्तों से सब श्री प्रेतराज सरकार बोलो भक्तों जैसी आराम एवं कोतवाल श्री भैरव जी को चढ़ाए जाते हैं। अरज मन ला दी है तेरे धाम बालाजी। यहाँ सबसे बड़ा असर सेवा और भक्ति का है। सच्ची श्रद्धा हो तो उन पर बालाजी महाराज की कृपा अवश्य होती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बालाजी के दर्शन करने के बाद श्री भैरव जी एवं प्रेतराज सरकार के दर्शन करते हैं। इस मंदिर में नित्य होने वाली आरती दर्शनीय होती है। आरती के समय अनेक श्रद्धालु मंदिर के बाहर एकत्र हो जाते हैं। विशेष बात तो यह है कि संकटग्रस्त रोगी चाहे कहीं भी हो वो आरती के समय स्वयं ही मंदिर के पास आ पहुंचता है। बालाजी मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है श्री गणेशपुरी महंत जी की समाधि। बाबा जान बचा ले हो मेरे चारों ओर अंधेरा। बाबा जान बचा ले हो मेरे चारों ओर अंधेरा। बाबा जान बचा ले हो मेरे चारों ओर अंधेरा। इसके नजदीक ही है तपोभूमि यज्ञ स्थल। मंदिर से थोड़ी दूरी पर रास्ता आरंभ होता है तीन पहाड़ का। चलो दर्शन को मेहंदीपुर चलिए जहां बालाजी का दरबार है। तेरे संकट सभी कट जाएंगे वही संकट।
कटके काटन हार है। पहले पहाड़ की यात्रा करने पर सर्वप्रथम काली माता के प्राचीन मंदिर का दर्शन होता है। इसके साथ ही यहाँ राम मंदिर, दुर्गा माता एवं वैष्णो माता का मंदिर, हनुमान मंदिर, तथा प्राचीन श्री अंजनी माता का मंदिर भी है। इन सब के अलावा पंचमुखी बालाजी के दर्शन करके श्रद्धालु अपनी यात्रा को कल्याणकारी बनाते हैं। बालाजी मेरा संकट काटो, आज मैं दुखिया दर पे आई। बालाजी मेरा संकट काटो, आज मैं दुखिया दर पे आई। बालाजी मेरा संकट काटो, आज मैं दुखिया दर पे आई। बालाजी मेरा संकट काटो, आज मैं दुखिया दर पे आई। मैं दुखिया दर पे आई, संकट ने गणी सताई। बालाजी मेरा संकट काटो, आज मैं दुखिया दर पे आई। बालाजी मेरा संकट काटो, आज मैं दुखिया दर पे आई। श्री बजरंग बली की ऐसी मूरत बहुत कम जगह ही देखने को मिलती है। तीन पहाड़ की यात्रा करते समय ऊपर से संपूर्ण मेहंदीपुर का विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है। मेहंदीपुर का है सुंदर नजारा, ये तो तीर्थों में तीरथ है न्यारा। मेहंदीपुर का है सुंदर नजारा, ये तो तीर्थों में तीरथ है न्यारा। मेहंदीपुर का है सुंदर नजारा, ये तो तीर्थों में तीरथ है न्यारा। न्यारा, मेहंदीपुर का है सुंदर नजारा।
पंचमुखी हनुमान के दर्शन के बाद आइए अब हम चले दूसरे पहाड़ की ओर। दूसरे पहाड़ तक जाने पर भक्तों को भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। तेरा भगत संसार हो गया बजरंग बाला, तेरा भगत संसार हो। इसके साथ ही यहाँ अन्य देवी देवताओं से सजे छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन का भी सुख प्राप्त होता है। पहाड़ के रास्ते पर ही मिलता है शनि देव का मंदिर। शनि देव जी की पूजा अर्चना सभी संकटों एवं बाधाओं से भक्तों को मुक्त करती है। और इसके समीप है श्री मनोकामना हनुमान मंदिर। हनुमान जी के इस मंदिर के बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तभी इसका नाम मनोकामना हनुमान मंदिर पड़ गया। महिमा निराली देखो मेहंदीपुर दरबार की, जहाँ पे विराजे झांकी बालाजी सरकार की, घाटे वाले बाबा की है दुनिया पुजारी। हनुमान मंदिर के बाहर ही शिवलिंग के दर्शन होते हैं। देखो बड़े ही कमाल के हैं शिव अवतारी रे, बड़े ही कमाल के हैं शिव अवतारी रे, बड़े ही कमाल के हैं शिव अवतारी रे। महिमा निराली देखो मेहंदीपुर दरबार की, जहाँ पे विराजे झांकी बालाजी सरकार की, घाटे वाले बाबा की है दुनिया पुजारी रे। देखो वो देखो बड़े ही कमाल के हैं शिव अवतारी रे, बड़े ही कमाल के हैं शिव अवतारी रे, बड़े ही कमाल के हैं शिव अवतारी रे। हनुमान भजन गाते गुनगुनाते भक्तों की टोली जब आगे बढ़ती है तो सामने दृष्टिगोचर होता है श्री तीन पहाड़ वाले बाबा जी का मंदिर। इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। यहीं पर सिद्ध धूना गोरखनाथ जी हैं। ओके देगा तू बाबा बोले, अरे बोले तेरे द्वार भगत तेरा मांगे। और ये है चौमुख भैरव जी। बाबा बोले, अरे बोले तेरे द्वार भगत तेरा मांगे रहा के देगा तू बाबा बोले। ये समाधि है तीन पहाड़ वाले मंदिर के महंत जी की। इस समाधि स्थल के समीप है वैष्णो माता तथा शिव हनुमान मंदिर। शिव
और तीन पहाड़ वाले रास्ते पर ही पड़ता है श्री घाटे वाले बाबा का मंदिर। वो घाटे के माँ आ गया है बालाजी बलकारी, वो घाटे के माँ आ गया है बालाजी बलकारी, वो घाटे के माँ आ गया है बालाजी बलकारी, हे बालाजी बलकारी, वो बालाजी बलकारी, वो घाटे के माँ आ गया है बालाजी बलकारी, घाटे के माँ आ गया है बालाजी बलकारी, वो तो घाटे के माँ आ गया है बालाजी बलकारी, वो तो घाटे के माँ आ गया है बालाजी बलकारी। श्री बालाजी मंदिर के निकट ही हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा अधूरी बनी पड़ी है। बालाजी महाराज के मंदिर तक जाने वाले रास्ते पर ही है अंजनी माता का मंदिर। इस मंदिर में बाल हनुमान जी की प्यारी सी मूरत है। नन्हे हनुमान जी को गोद में लिए मां अंजनी की एक सुंदर मूरत के दर्शन यहां होते हैं। इस मंदिर में बनी सुंदर झांकियां सभी भक्तों का मन मोह लेती हैं। घाटा मेहंदीपुर तक आने के लिए आगरा, मथुरा, अलीगढ़ आदि शहरों से यहाँ सीधी बसें जो कि जयपुर जाती हैं, वो सभी बालाजी मोड़ पर रुकती हैं। बालाजी महाराज के दर्शन हेतु प्रतिदिन दूर दूर से अनेक श्रद्धालु यहाँ आते हैं। समय समय पर मेहंदीपुर बालाजी के लिए पैदल यात्रा भी आयोजित होती रहती है। बालाजी तक के लिए पैदल यात्रा, हनुमान मंदिर से बालाजी तक के लिए जो पद यात्रा जा रही है, जिसका मान बढ़ाएं। मेला बाला का, ओ मेला बाला का लगा है घाटे गाँव, भगत अब चल चल रे, ओ दर्शन कर ले रे मेहंदीपुर के। जय बालाजी का जय घोष करते भक्तों की भीड़ कभी केसरिया तो कभी सफेद वस्त्रों से परिपूर्ण आगे बढ़ती रहती है। इसके साथ ही हनुमान जयंती तथा अन्य विशेष अवसरों पर देश के लोकप्रिय कलाकारों द्वारा बालाजी का गुणगान किया जाता है।
वैसे तो सप्ताह भर यहाँ भक्त आते रहते हैं, लेकिन शनिवार तथा मंगलवार का दिन शुभ माना जाता है, इसीलिए इन दोनों दिनों में अपार संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर बालाजी की पूजा कर कृपा दृष्टि पाते हैं। ले बालाजी का नाम ये संकट कट जाएंगे, बालाजी का नाम ये संकट कट जाएंगे, ले बालाजी का नाम ये संकट कट जाएंगे, हरा हो जा बेड़ा पार ये संकट कट जाएंगे, जिन भक्तों ने अभी तक इस धाम के दर्शन नहीं किए या जो भक्त वहां जाना चाहते हैं परंतु मेहंदीपुर के नियमों से अनभिज्ञ हैं, उनके लिए आगे हम नियमों का संक्षिप्त ब्यौरा दे रहे हैं। जब किसी रोगी पर संकट आए तो उन्हें बालाजी दरबार मेहंदीपुर ले जाने से पूर्व मकान के बाहर से थोड़ी मिट्टी, पीले चावल, एक नारियल, 1.25 मीटर लाल कपड़ा तथा 2.25 रुपए एक थाल में सजा मकान में घुमा कर लाए। बालाजी के भक्तों को 3 जगह दरखास्त लगानी पड़ती है, पहली बालाजी, दूसरी प्रेतराज और तीसरी भैरव जी के समीप लगती है। अर्जी के लिए 100 सवा 81 रुपए तथा लड्डू, चावल, उड़द का भोग लगाएं। छोटे लड्डुओं को आरती के पूर्व ही मंदिर में जमा कर दें। आरती के पश्चात जब लड्डू बटें तो 2 लड्डू रोगी को खिला दें। इससे संकट रोगी के मुंह से बोलने लगेगा। यदि पेशी ना आए तो भैरव बाबा को मीठे पुए का भोग लगाएं। भोग के बाद 2 पुए रोगी को और बाकी कुत्ते को खिला दें। इसी तरह प्रेतराज बाबा को 100 ग्राम खीर का भोग लगाएं। बाद में इसे रोगी को खिलाएं। रोगी के घर वालों को प्याज, लहसुन, मांस मदिरा आदि से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा और भी नियमों की जानकारी आप स्थानीय पुजारी जी से जान सकते हैं। जो भक्त मेहंदीपुर धाम क्षेत्र से दूर रहते हैं वो अंबे फिल्म्स की अन्य VCD आलाह बालाजी की एवं गाथा बालाजी की इन दोनों को देखकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूरी निष्ठा के साथ बालाजी महाराज की पूजा आराधना करने वालों का कल्याण अवश्य होता है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि आज हम वैज्ञानिक युग में वास कर रहे हैं, किंतु श्री बालाजी के शरण में आकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इनके चमत्कार देख दंग रह जाते हैं, और विज्ञान के पास इन चमत्कारों का कोई जवाब नहीं मिलता। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। अपनी यात्रा की समाप्ति से पूर्व आइए हम सब मारुति नंदन पवन पुत्र श्री बालाजी को असंख्य बार प्रणाम कर कहें, बोलो श्री बालाजी महाराज की जय।